राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी मुश्किल में। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ आज होगी सुनवाई। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी एक विवादित बयान में घिरते नजर आ रहे हैं। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है, जिसकी आज सुनवाई होनी है। अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तेजस्वी यादव ने पिछले महीने नीरव मोदी को लेकर आई एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरातियों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था, आज देश के हालात में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं, उनके ठग को माफ भी कर दिया जाए, LIC बैंक का पैसा दो फिर वह भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। दोस्त यार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लेकिन इनका तोता पिंजरे से नहीं निकलता है। उनके इसी बयान के बाद कारोबारी हरेश मेहता ने बीते 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत मामला दर्ज करवाया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।